उसे एक बॉयफ्रेंड की तलाश थी, उसे एक मर्द की तलाश थी, उसे एक ऐसा लड़का चाहिए जो उसके इशारे पर नाचता रहे। एक ऐसे प्रेम की कहानी रची गई जिसका अंत बेहद ही फिल्मी रहा। वो अंदाज, वो अनूठा इकरार जिसको सुनकर आप दांते तले उंगली दबा लेंगे। एक ऐसी मोहब्बत जिसकी पटकथा लिखी जाता है फितरत से, शरारत से, अदाओं से, हुस्न से और चालबाजी से। ये कहानी उसकी है जिसने अपने प्यार को पाने के लिए इस कदर से साजिश रची। जब प्यार मिला तो अंजाम जो निकल कर सामने आया कि सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। हर लड़के की चाहत होती है कि उसके पास भी लड़कियों का एक झुंड रहे, उसकी भी सुंदर सुशील गर्लफ्रेंड रहे, उसकी प्यार का इजहार किसी ऐसी लड़की के साथ हो जो हर पल उसके संग संग रहे। ऐसे ही मोहब्बत की यह दास्ता है जब एक लड़की अपना घर परिवार छोड़कर अपने प्रेमी के घर आ जाती है। दावे और वादे शादी तक हो जाते हैं। ये पूरा घटना, ये पूरी फिल्मी कहानी आपको हैरत अंगेज कर सकती है, हैरान कर सकती है, आप सदमे में जा सकते हैं। दरअसल ये हुआ क्या, आप सोच रहे होंगे क्या ऐसे भी होता है, एक प्यार इस तरीके से मुकम्मल होती है? एक प्यार को पाने की जिद, चाहत, बेकरारी, शरारत और फरेब की एक कहानी है। ये कहानी उस लड़की की है जो आईएएस का एग्जाम पास करने का दावा कर एक ऐसे पति की तलाश करती है, एक ऐसे प्रेमी की तलाश करती है जो पैसे वाला हो, और उसकी तलाश एक सोशल मीडिया अकाउंट पर जाकर ठहर जाता है। लड़की जिसके कई नाम है, प्रिया, स्वीटी, सोना, बाबू से भी आगे निकल के उसने एक ऐसा नामों का सिलसिला रखा जिसके जाल में फंसकर कोई भी पैसा वाला बच नहीं पाए। ठीक इसी प्रकार से एक लाइन आपको फिल्मी लग रही होगी, लेकिन प्रियांशी सिंह, प्रिंसी सिंह, तन्या सिंह, ठाकुर तन्या, ऐसे अनेक नामों से अपनी पहचान बनाने वाली इस लड़की की यह पूरी कहानी है। अब सुनकर शौक आपको जरूर लग जाएगा, झटका लग जाएगा, यकीन मानिए झटका, कि आप फिर किसी का फोन नहीं उठाइएगा, किसी लड़की से बात तक नहीं कीजिएगा। एक लड़की जिसे एक तलाश है एक खूबसूरत पैसे वाले का, और उसकी तलाश सोशल मीडिया अकाउंट पर पूरी होती है। सोशल मीडिया अकाउंट पर वो तलाशती है एक ऐसे लड़के को जिसके पास पैसा हो। फिर शुरुआत उसने मैसेज किया, सोचिए आपके मोबाइल पर एक मैसेज आता है, हेलो क्या आप फ्री हैं, आपसे कुछ देर बात करनी है। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है, सामने से अगर किसी लड़की का प्रपोजल आएगा तो कौन अपने आप को रोक पाएगा, कई लोग हैं जो उस लिस्ट में शामिल हो जाते हैं, और फिर दोस्ती, जान पहचान, प्यार और इकरार सब हो जाता है। लड़की अपने बारे में बताती है कि वो आईएएस का एग्जाम पास कर चुकी है, फिलहाल वो डॉक्टर है, चिकित्सक है, लोगों की इलाज करती है, पटना एम्स में रहती है, एम्स में ही डॉक्टर है, अकेली रहती है। लड़की को लगा कि पटना की लड़की है, बाद में पता चला कि नहीं, पटना घर नहीं है बल्कि पटना में रहती है। लड़का पटना का निकला, लड़के ने सोचा कि क्यों नहीं बगल वाली लड़की से आंखें चार किया जाए, कुछ बातें आगे बढ़ाई जाए। उसके बाद बातचीत का सिलसिला सोशल मीडिया से मोबाइल फोन पर हुआ, नंबरों का आदान प्रदान, फिर तथा कथित आईएएस डॉक्टर प्रिंसी सिंह, तान्या सिंह, ठाकुर तान्या ने
अपने मोह माया, अपने सौंदर्य, अपनी खूबसूरती, अपने हुनर, अपने साथी राधाओं के जाल में रविरंजन को ऐसे फांस लिया कि रविरंजन मल्टीनेशनल कंपनी में एक बड़े ओहदे पर काम करने के बावजूद भी प्रेम के हुस्न के इस जाल में फंसता चला गया। अचानक प्रेम रंजन के घर पर एक लड़की आती है, क्योंकि मिलने का सिलसिला बहुत पहले से चल रहा था, और कहती है कि अब मैं तुमसे शादी करूंगी, तुम्हारे ही घर में रहूंगी। प्रेम रंजन को तो लगा कि स्वर्ग से कोई अप्सरा चल के उसके पास आई है, इनकार कैसे कर पाए। घर वालों को मना कर रवि रंजन ने तैयार कर लिया। लड़की ने कहा कि शादी नहीं, फिलहाल सगाई करते हैं। सगाई का सिलसिला शुरू हुआ। रवि रंजन के घर में खुशियां ही खुशियां, हर जगह परिवार, इष्ट मित्र, दोस्त यार सभी आ गए। और यहीं से सातीर मासुका के पत्नी बनने तक के पीछे की कहानी धीरे धीरे सामने आने लगी। ये पूरा वाक्य बिहार की राजधानी पटना के बेऊर थाना क्षेत्र की है, जहां मुजफ्फरपुर की रहने वाली एक लड़की जिसके कई नाम है आती है और एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर काम करने वाले कर्मचारी को ठगने का प्लान बनाती है। पहले उसकी दोस्त बनती है, फिर मासुका बनती है, फिर पत्नी बनने का खेल साजिश रचती है। सगाई के लिए दिन मुकर्रर होता है। लड़की इस बीच उसके घर पहुंचती है, बोलती है घर वालों को तब बताएंगे जब ये सगाई हो जाएगी। इसके पहले वो अपना पहचान, अपना परिचय लड़के के सामने पटना एम्स के एक डॉक्टर के तौर पर करा चुकी थी। उसने तो यहाँ तक कहा था कि वो आईएएस का एग्जाम पास कर चुकी है और अखबारों में अपनी फोटो की कटिंग वो लड़के को साक्ष के तौर पर दिखा चुकी थी। लड़का इस बात से काफी गदगद था कि फेसबुक और जैसे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उसकी मोहब्बत हुई एक आईएएस अधिकारी से। प्यार परवाना चढ़ता गया, दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, बात शादी के लिए पहुंचा। लेकिन इसी बीच एक खेल और लड़की का सारा साजिश का भंडा फोर हो गया। दरअसल हुआ क्या, हुआ ये कि लड़की जब बेऊर स्थित रविरंजन के घर पे पहुंची तो वहां परिवार के लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। उसने कहा कि मैं इसी घर में रहूंगी। परिवार के लोग सगाई में पहुंचे गए थे। इस बीच जो तान्या ठाकुर, प्रिंसेस सिंह वगैरह वगैरह नामों से जो लड़की अपनी पहचान सबको बता रखी थी, सोना बाबू, उसके दो आधार कार्ड अचानक रविरंजन के हाथों में लगे। रविरंजन के पैरों तले जमीन खिसक गई कि आखिर ये माजरा क्या है। माजरा समझने की कोशिश में रविरंजन ने कई बार उससे तमाम बातें पूछी, लेकिन हर बार उसका जवाब कुछ अलग ही होता था। रविरंजन को अब शक होने लगा, धीरे धीरे शक यकीन में बदलता गया। इस बीच अचानक जो प्रिंसी है ना, उसने कहा कि मेरे गहने कुछ चोरी हो गए, और उसने रविरंजन को इस तरीके से अपने प्यार के जाल में फंसा रखा था कि उसने कहा कि तुम्हारे परिवार के कुछ लोगों ने मेरे गहने चोरी कर लिए हैं। फिर रविरंजन उन लोगों के ऊपर दबाव डालकर प्रिंसी के बताए हुए गहने खरीदवाए और उनसे कुछ पैसे भी लेने की चाहत रखी। उसने कहा कि मामला थाने में, प्रिंसी के दबाव में रविरंजन ने स्थानीय थाने में लिखित कंप्लेन तक कर दिया। परिवार वालों को बेवजह किसी समस्या में नहीं पड़ना था, लिहाजा वो प्रिंसी की बात मान गए और सोने के असली गहने दे दिए। इस बीच रविरंजन को प्रिंसी के व्यवहार पर शक हुआ। फिर उसके सामान की तलाशी अचानक रविरंजन ने ली। उसके पर्स से दो आई कार्ड, दो नाम और अलग अलग डेट बर्थ। रविरंजन के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। रविरंजन करे तो क्या करे, मामला कुछ और बिगड़ गया। रविरंजन और इस बीच प्रिंसी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। रविरंजन को अब यकीन नहीं हो रहा था कि प्रिंसी सच में आईएससी है, क्योंकि प्रिंसी जिस तरीके से फराटेदार अंग्रेजी बोला करती थी कि हर सामने वाला ये विवश हो जाता था, सुनकर दंग रह जाता था और कोई भी शक नहीं कर पा रहा था। यकीन हर किसी को दिलाने में प्रिंसी ने महारत हासिल कर ली थी। अपनी सुंदरता के साथ साथ प्रिंसी ने अपने मोह माया जाल में रविरंजन और उसके परिवार के सभी लोगों को इस कदर फांस लिया था कि जब मामला थाने पहुंचा,
प्रिंसी की शिकायत पर तो थानेदार भी हक्का बक्का रह गया। प्रिंसी को प्रिंसी की शिकायत उसने आनंद फानंद में लिख ली। लेकिन अभिरंजन जब शिकायत लेकर वापस थानेदार के पास पहुंचे, थानेदार को बुलाया गया तो थानेदार को हिम्मत नहीं हो रही थी प्रिंसी के बैग को खोलकर उसके सामानों की जांच करा ले। मुजफ्फरपुर की रहने वाली प्रिंसी अचानक जब मामला बढ़ा, थानेदार आए, प्रिंसी फरटदार अंग्रेजी बोलकर डपटने की कोशिश कर रही थी, रविरंजन और उसके परिवार पर भी कई आरोप लगा रहे थे। और जब प्रिंसी को थाने लेके जाया गया, हिम्मत करके पुलिस वालों ने बैग खोला और तमाम जो सामान उसके बैग से मिले, कुछ नकली गहने और प्रिंसी के वो तमाम राज परत दर परत खुलते गए। दरअसल प्रिंसी कोई भी डॉक्टर नहीं थी और ना ही उसने किसी आईएएस आईपीएस का एग्जाम क्वालिफाई किया था। दरअसल वो एक सातिर ठग थी जिसने सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे लोगों को ठगने का एक जरिया बना रखा था। अपनी पहचान उसने डॉक्टर बताई। जब बेउर थाना के पदाधिकारियों ने, पुलिस के लोगों ने बेउर थाना के करीब में जो एम्स अस्पताल है उसमें संपर्क किया तो इस नाम से कोई भी डॉक्टर वहां रिकॉग्नाइज नहीं थी। फिर क्या था, एक एक पद की जांच होने लगी और जांच में जो खुलासा हुआ उसमें प्रिंसी ने फिलहाल जांच में जो बताया है कि वो फर्जी तरीके से रविरंजन को झांसे में लेकर उसके घर पे शादी का झांसा देती, सगाई में मिलने वाली रकम गहने लेकर फरार हो जाती। इसी प्लान के साथ वो रविरंजन के घर गई थी, रह रही थी। रविरंजन जो कई सपने सजा रखा था वो इस लुटेरी मासुका के सामने आने के बाद दुल्हन बनना का सपना टूटा और ये लड़की वो कांड कर गई जिसकी उम्मीद लड़के के घर वालों को ना कभी थी ना कभी होगी। एक ऐसी मोहब्बत जो मुकम्मल तो हो ना सकी लेकिन बदनाम कर गई। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।